20,000 से कम नहीं है जो बड़े नाम मशहूर जगहें हैं। क्वालिटी आपको वही मिल रही है, लेकिन आपको 50% से ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है। हम सिर्फ मंथली फीस ही चार्ज करते हैं, हर महीने फीस भी लें और हर महीने भी पेरेंट्स से बोलें कि वो कुछ ना कुछ पे करते रहें। तालीम को इतना महंगा ना कर दें कि वो सिर्फ एक तबका है जो उसको हासिल कर सके। 20 से 30 मजीद एडमिशन्स की गुंजाइश है। जहां महंगाई का असर हर चीज़ पर पड़ रहा है, वहीं फीसों में भी इसका असर पड़ रहा है और फीसों में इजाफा हो रहा है। स्कूल में ओ लेवल और ए लेवल की पढ़ाई काफ़ी महंगी हो चुकी है। ऐसे में एस्पायर ग्रामर स्कूल ने फीसों में रिडक्शन की ऑफ़र की है, जिससे पेरेंट्स को फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा, जानते हैं यहाँ की प्रिंसिपल आयशा शेख से। पेरेंट्स को सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, जिस तरह कुछ जो बड़े स्कूल्स और बड़े इदारे हैं जो एक अरसे से हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को आप देखें, वो 20,000 से कम किसी की भी, ये मैं महाना फ़ीस आपको बता रही हूँ, जो बकिया चार्जेस होते हैं वो इसके अलावा लगकर वाउचर में जाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो महाना फ़ीस ही ले रहे होते हैं, तो वो 20,000 से कम नहीं हैं जो बड़े नाम मशहूर जगहें हैं। उनसे अगर आप एस्पायर को कंपेयर करें, क्वालिटी आपको वही मिल रही है, लेकिन आपको 50% बल्कि 50% से ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, जो आपकी जेब पर कम उसका ख़र्चा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी ये प्रैक्टिस नहीं है कि हर महीने हम फ़ीस के अलावा भी चार्जेस लगाकर भेजें, हम सिर्फ मंथली फ़ीस ही चार्ज करते हैं। एडमिशन के टाइम पर एडमिशन फ़ीस होती है बिल्कुल, महाना हमारा ये तरीक़ा बिल्कुल भी नहीं है कुछ दूसरे इदारों की तरह के हर महीने फ़ीस भी लें और हर महीने भी पेरेंट्स से बोलें कि वो कुछ ना कुछ पे करते रहें, क्योंकि जो एक तनख्वाह वाला इंसान है उसकी तनख्वाह तो सेम ही रहनी है, तो वो किस तरह इतने ख़र्चे करेगा अगर 2 से 3 बच्चे उसको पढ़ाने हैं एक अच्छी जगह। तो 50% बल्कि 50% से ज़्यादा कम कॉस्ट आपको पड़ेगी अगर आप एस्पायर में एडमिशन करवाते हैं। तो तालीम को इतना महंगा ना कर दें कि वो सिर्फ़ एक तबका है जो उसको हासिल कर सके। एस्पायर ग्रामर स्कूल का हिस्सा बनने से जो वालदेन को फ़ायदा होगा, मैं सबको कहूँगी कि आप आएँ, हमसे मिलें, हमसे बात करें, हमारे करिकुलम को देखें, हमारी बुक्स को देखें, हमारे टीचर्स के बात करने के तरीक़े से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चा किस जगह जा रहा है और उसको पढ़ाने वाले कौन है। मेरा एक्सपीरियंस एस्पायर ग्रामर स्कूल के साथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग बच्चों को दी जा रही है, उनके फ्यूचर में जो चीज़ काम आएगी, ऑफ कोर्स जो मेरे फ्यूचर में काम आएगी, और जो अब क्योंकि इनोवेशन और क्रिएटिविटी इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी मायने रखती है, तो अब जो फ्यूचर में चीज़ काम आने वाली है उस चीज़ को बच्चों को अभी से प्रिपरेशन की जा रही है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ख़ुद पढ़ाने में उनको चीज़ें मज़ा आता है। बच्चों के साथ साथ टीचर्स की ग्रूमिंग के लिए भी एस्पायर ग्रामर स्कूल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। टीचर्स को जदीद टेक्नोलॉजी सिखाना और टीचर्स को अब ग्रूमिंग करना एस्पायर ग्रामर स्कूल का अहम मकसद होता है, जिसके लिए एस्पायर ग्रामर स्कूल हमेशा जो है वो कोशा रहता है। तो हम सिर्फ ये नहीं है कि 8 से 9 सब्जेक्ट हमने पढ़ा दिए और उसकी हम फीस ले रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ग्रूमिंग घरों पर वालदेन ऑलरेडी इतने बर्डनड होते हैं, जो माएँ होती हैं उनके ऊपर ऑलरेडी इतनी ज़िम्मेदारियाँ, वो और कितना करेंगे। तो ये ज़िम्मेदारी एस्पायर ने उठाई है कि आप सिर्फ ये ना देखें कि 8 किताबें और 8 कॉपियाँ और 1 लेसन डायरी है आपकी फ़ीस के अगेंस्ट, आप ये देखें कि आपके बच्चे के अंदर तब्दीली कितनी आ रही है। इस वक्त जो हमारे एग्जिस्टिंग कमरे हैं वो हमारे पास 15 हैं, जो कि क्लास रूम्स हैं। इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर लैब है वो एक अलहदा कमरा है। एक आउटडोर एरिया भी मौजूद है हमारा, जहाँ पर बच्चों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग की जो वीकली क्लासेस होती हैं वो हैं। म्यूज़िक क्लासेस हमारी एक हॉल में कंडक्ट होती हैं, वो हॉल इसके अलावा मौजूद है। मज़ीद जो एग्जिस्टिंग हमारी फैसिलिटी है, इसके अंदर 20 to 30 यानी 20 से 30 मज़ीद एडमिशन्स की गुंजाइश है, लेकिन हमारा इरादा यही है बहुत जल्द, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया है पेरेंट्स की तरफ से, जब से एस्पायर के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, तो जितने एडमिशन्स हमारे पास आना शुरू हो गए, बहुत जल्द हमें लग रहा है कि ये जगह भी हमें छोटी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है कि हम एक बड़े मज़ीद बेहतर प्रेमिसेस में शिफ्ट हों, लेकिन एग्जिस्टिंग भी हमारे कमरे बड़े हैं और हमारी क्लास स्ट्रेंथ कम है। आई थिंक ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें कभी कभी वालदैन नहीं सोचते कि मेरी क्लास में मेरे बच्चे के साथ और कितने बच्चे हैं। टीचर तो एक ही है,
वो 40 को पढ़ा रहा है या वो 10 को पढ़ा रहा है, ऑटोमेटिकली क्वालिटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि जो 10 बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर है उसकी चेकिंग भी कम है, वो एक एक को इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सकती है। एक क्लास में 15 से ज़्यादा होते हैं तो यूजुअली हमारा टारगेट ये होता है कि हम सेक्शंस में स्प्लिट कर दें, हम एक ही कमरे में बहुत सारे बच्चों को कोविड से पहले भी नहीं रखते थे, अब तो रखने की कोई सवाल ही नहीं बनता।